हेलो एस्पिरेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2023 के पेपर में जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस थे, ठीक है, इन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के सोर्सेस क्या थे, यानी कि वो कौन से सोर्सेस थे जहां से वो ये क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे कि क्वेश्चंस पेपर देखने के बाद और सोर्सेस को रिवील करने के बाद एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस क्या रह गई है, क्या एनसीईआरटी आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पहले था, या फिर आजकल के ट्रेंड को देखते हुए एनसीईआरटी के अलावा कुछ ऐसी किताबें हैं जिनको हमें रिफ़र करना चाहिए, ठीक है। सेम विथ जीसी लियोंग, आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते हो जियोग्राफी के लिए तो जीसी लियोंग भी आपको पढ़ना पड़ता है। जीसी लियोंग के लास्ट के कुछ चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, जस्ट ए मिनट, जीसी लियोंग के लास्ट के कुछ चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ते हैं जो कि क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड क्लाइमेटोलॉजी के बारे में एनसीईआरटी में उतने अच्छे से दिया नहीं गया है, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि एटलस का इम्पोर्टेंस कितना है, ठीक है, जो आप मैप प्रैक्टिस करते हो या फिर जो भी चीज़ें आप न्यूज़ में पढ़ते हो उसको एटलस में यानी कि मैप पे देखना, उसको हाईलाइट करना, ये कितना ज़रूरी है। एंड फाइनली हम बात करेंगे कि करेंट अफेयर्स को कैसे अप्रोच किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन था ये झेलम रिवर के बारे में है, ठीक है। फिर कृष्णा रिवर डायरेक्टली कोलेरू लेक में फीड करती है या नहीं, इसके बारे में है। और ये गंडक रिवर से जुड़ा हुआ एक लेक है जिसका नाम है कनवर लेक, इसके बारे में। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, इनके सोर्सेस क्या हैं, ठीक है। ये जो किशनगंगा नदी रही है, ठीक है, ये न्यूज़ में रही है, इसलिए न्यूज़ में रही है क्योंकि इंडो पाकिस्तान का वाटर इशू चल रहा था, ठीक है। और दूसरा जो हम बात कर रहे थे कनवर लेक की, ठीक है, कनवर लेक बिहार का पहला रामसार साइट बना है, ठीक है, इस वजह से ये भी न्यूज़ में रहा था। तो न्यूज़ में रहा था और इसकी जो आर्टिकल मैंने उठाई है ये है dawn.com से। तो क्या आपको सारे ही न्यूज़पेपर पढ़ने हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप अगर द हिंदू पढ़ रहे हैं, ठीक है, और द हिंदू में ये आर्टिकल आया हो किशनगंगा रिवर, या फिर आप करेंट अफेयर्स के लिए मंथली मैगजीन्स पढ़ते हैं, ठीक है, अगर आपके मंथली मैगजीन्स में ये है तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे क्वेश्चंस को स्किप कर दोगे, ठीक है। आपको अपने सोर्सेस बढ़ाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मैं बहुत सारे सोर्सेस दिखाऊंगा, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं बनता कि आप सारे ही सोर्सेस पढ़ने लग जाए, ठीक है, फिर आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। हम लास्ट में बात भी करेंगे कि हमें कितने सोर्सेस पढ़नी चाहिए ताकि हमारा प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये दोनों तो न्यूज में थी। और जो पहला स्टेटमेंट था, ठीक है, उलर लेक के बारे में, तो ये यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि उलर लेक से जो नदी है झेलम नदी, ठीक है, एनसीईआरटी का है ये, झेलम नदी जो है वो उलर लेक से पास होती है। तो यहाँ से जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये वाला, ये हम देखते हैं कि एनसीईआरटी से आप इसको आंसर कर सकते हो, ठीक है। ये सेकेंड स्टेटमेंट जब आप कृष्णा नदी के बारे में पढ़ते हो एनसीईआरटी में, तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है कि कोलेरू लेक में डायरेक्टली फीड करती है। पर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी लेक्स हैं, ठीक है, और कोलेरू लेक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक है, तो आप मेजर लेक को मैपिंग में ज़रूर प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। तो आप जब कोलेरू लेक के बारे में पढ़ते हो तो आप ये ज़रूर पढ़ते होगे कि कोलेरू लेक यहाँ से जो क्या है कृष्णा रिवर है ये इसको डायरेक्टली फीड नहीं करती, ठीक है। जब कृष्णा रिवर आप यहाँ बनाते हो तो यहाँ इसके बगल में यहाँ पे कोलेरू लेक बनाते हो, ठीक है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते थे, बट ये दोनों ही एनसीईआरटी में नहीं थे। तो एनसीईआरटी से यहाँ हम बस पहला स्टेटमेंट आंसर कर सकते, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन से पोर्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, यह है
कमराजार पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, ठीक है। ये सारे पोर्ट, जितने भी पोर्ट्स हैं, आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ रहे होगे, इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर जो है, ठीक है, एनसीईआरटी में आपके पास चार एनसीईआरटी होती है, ठीक है, उसमें से दो तो आपकी जियोग्राफी की होती है टोटली, और बाकी इकोनॉमिक जियोग्राफी वगैरह होती है। तो वहाँ पे आप देखोगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर है उसमें पोर्ट्स के बारे में दिया गया है, ठीक है। बट यहाँ जो डेटा दी गई है, ठीक है, ये डेटा पोर्ट्स के बारे में वहाँ पे नहीं दिया गया है। आपको मैं दिखाता हूँ स्क्रीनशॉट से। पहले बात कर लेते हैं कि ये क्यों आया था। ये जो है जेएनपीटी और मुंद्रा पोर्ट, ये न्यूज में रहे थे, इस वजह से ही आया था। और ये तो हिंदू में ही है, द हिंदू बिजनेस लाइन, ठीक है। तो बिजनेस लाइन तो आप पढ़ते नहीं हो ऐसे, तो मान लीजिए कि ये न्यूज में रहे थे। न्यूज में रहने का मतलब ये है कि आपके करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस में होंगे, और नहीं होंगे तो फिर आप इसे स्किप कर दोगे, ठीक है। देन ये जो डेटा हमने जितना भी पढ़ा, ये डेटा आपको दी गई है इस किताब में, इंडियन जियोग्राफी बाई खुलर, इसमें आपको ये डेटा पूरी की पूरी मिल जाएगी। बट जब हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी में हमें मिलता है ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो है ये इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, ठीक है। अब इसको हम बैक करते हैं, जस्ट अ मिनट। और यहाँ पे देखिए थर्ड स्टेटमेंट, ये वाला, ये स्टेटमेंट एनसीईआरटी के मदद से आप आंसर कर सकते हो। क्यों? एनसीईआरटी में लिखा गया है कि लार्जेस्ट जो कंटेनर पोर्ट है इंडिया का वो है जेएनपीटी, यहाँ पे क्या दिया गया है, विशाखापट्टनम। तो सिर्फ एक स्टेटमेंट को आप यहाँ से कट कर सकते हो, फिर भी आप आंसर नहीं दे पाओगे क्योंकि ऑप्शंस बहुत ही ट्रिकी बनाए गए थे इस बार, ठीक है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट्स उठाई गई है ये एनसीईआरटी से है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये वेजिटेशन के चैप्टर से है, और वेजिटेशन के चैप्टर में ये दोनों ऑप्शन जो है वो एनसीईआरटी में साफ साफ मिल जाएगी आपको, बट ये जो जैकफ्रूट है ये आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दो ऑप्शंस के मदद से आप रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते थे एग्जाम हॉल में, क्योंकि पेपर ही इतना टफ बनाया गया था, आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में कहाँ से पूछा गया था ये। तो एनसीईआरटी का जो वेजिटेशन चैप्टर है उसमें जब आप डेसीडीजियस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो कि टीक, साल, सीसम, सीमल, आमला, सैंडलवुड, महुआ, ठीक है। तो टीक और महुआ यहाँ पे ऑप्शंस में है कि ये डेसीडियस ट्री है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया हैज मोर एरेबल लैंड देन चाइना। इंडिया और चाइना के कुछ डेटा हैं यहाँ पे जो कि कंपेयर किए जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको ज़्यादातर क्या होगा ना, जब आप इंडियन एग्रीकल्चर प्रिपेयर करते हो, इंडियन एग्रीकल्चर मेंस के पर्सपेक्टिव से, मेंस, ठीक है, तब आप जब इंडियन एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स लिखते हो ना कि इंडियन एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम्स है, तो आप एक पॉइंट लिखते हो लेस प्रोडक्टिविटी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी। और इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए आप बताते हो कि इंडिया का कल्टीवेशन एरिया चाइना से ज़्यादा है, फिर भी इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है। ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि लेस प्रोडक्टिविटी में हर कोई ही ये एग्जाम्पल लिखते होंगे, बट आपने अगर मेंस प्रिपेयर किया है अच्छे से एग्रीकल्चर पार्ट को तो आपने ये डेटा कहीं ना कहीं पढ़ रखी होगी, ठीक है। तो आप वहाँ से आंसर कर सकते हो, बट ये डेटा आपको एनसीईआरटी वगैरह में कहीं भी नहीं मिलेगी, ठीक है, या फिर किसी भी स्टेटिक सोर्स में आपको ये डेटा नहीं मिलेगी। ये जो क्वेश्चन उठाया गया है वो उठा गया है टोटली करेंट अफेयर्स, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कहाँ से उठाया गया है, ठीक है, टोटली करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन उठाया गया। तो आइए देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आए हैं।
फाइनेंशियल एक्सप्रेस था, ठीक है। और यहाँ पे जो ये आर्टिकल है इसका लिंक मैंने पेस्ट कर दिया है यहाँ पे। तो इस आर्टिकल को जब आप खोलोगे तो आप पाओगे कि जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे मेंशन है ना, जस्ट ए मिनट सॉरी, यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट एज इट इज, ठीक है, एज इट इज इस आर्टिकल में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। पर बात तो वही है, हम सारे के सारे करंट अफेयर्स या फिर सारे के सारे हिंदू न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये डेटा आपको पता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और फिर से मैं आपको बता दूं कि जितने भी मैं सोर्सेस बता रहा हूँ इनका ये मोटिव बिल्कुल नहीं है कि आप कल से हिंदू भी पढ़ने लगे, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ने लगे और बाकी सारे ये भी पढ़ने लगे। न्यूज़ में होने का मतलब ये होता है कि एक न्यूज़पेपर में है तो चांसेस ये हैं कि दूसरे न्यूज़पेपर में भी होगा। बट जब मैं इसको ढूंढ रहा था तो मेरे मुझे जो आर्टिकल मिला वो फाइनेंशियल एक्सप्रेस का था, क्योंकि कोई चीज़ें जब न्यूज़ में होती है ना तो वो लगभग, अगर हिंदा हिंदू में है कोई आर्टिकल तो इंडियन एक्सप्रेस में भी वो कभी ना कभी आया होगा, ठीक है। 90% यहाँ के कर जो आर्टिकल्स होते हैं वो लगभग सेम टॉपिक पे होते हैं, ठीक है। तो आप चाहे द हिंदू पढ़े या फिर द इंडियन एक्सप्रेस पढ़े, पढ़ना आपको एक ही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही टफ है, क्योंकि इसके बारे में किसी को पता नहीं था, ठीक है। और ये स्टैटिक क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर से भी नहीं आया, ये ब्रिटानिका है एक साइट है, इस पे एक आर्टिकल है उसमें ये मेंशन किया गया है, ठीक है, ये वाला पार्ट उसमें मेंशन किया गया है रन ऑफ कच्छ के बारे में। तो ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर स्टूडेंट को पता हो, बाई लक किसी को पता है तो ठीक है, नहीं तो किसी को पता नहीं होगा, ठीक है। तो इसके सोर्सेस में हम डिटेल में नहीं जाते। अगला जो क्वेश्चन है ये है रूटाइल इल्मेनाइट रूटाइल एबंडेंटली अवेलेबल इन सर्टेन कोस्टल एरियाज, किस चीज़ के प्रोडक्शन में या किस चीज़ के सोर्सेस है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन का आप रेफरेंस एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, एक एनसीईआरटी में मिल जाएगा या फिर आपने करेंट अफेयर्स पढ़ी है, ठीक है। तो करेंट अफेयर्स के जो मंथली कंपाइलेशन होते हैं उसमें भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि टाइटेनियम प्रोडक्शन किसी ना किसी वजह से न्यूज में था, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट ए मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए, ये है एनसीईआरटी की स्क्रीनशॉट, ठीक है। और एनसीईआरटी में जो मिनरल्स वगैरह के चैप्टर है वहाँ पे ये है, यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि टूथपेस्ट आर मेड विच इज, यहाँ पे ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ऑक्साइड विच कम्स फ्रॉम, यहाँ पे है टाइटेनियम, ठीक है, विच कम्स फ्रॉम टाइटेनियम, ठीक है। और इस टाइटेनियम को बनाने में लगता क्या है, रूटाइल इल्मेनाइट एंड अनस, ये भी आगे का मिसिंग है। तो ये यहाँ पे एनसीईआरटी में साफ साफ ये डेटा दी गई थी बहुत ही क्लियर तरीके से, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो, जस्ट ए मिनट, ये जो क्वेश्चन है ये भी एनसीईआरटी से एज इट इज उठाया गया था, ठीक है। बट इसके अलावा मैंने आपको जैसे बताया कि टाइटेनियम किसी इंडस्ट्री में इंडिया यूज करने का प्लान कर रही थी, इस वजह से भी ये काफ़ी न्यूज में था और ये आपको मंथली मैगजीन्स वगैरह में भी मिला होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अबाउट 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स कोबाल्ट, कोबाल्ट के बारे में है कि कोबाल्ट कहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 3/4। ये भी डेटा अगर आपने बाई लक कहीं पढ़ी है तो ठीक है, नहीं तो हम एस्पिरेंट से ये उम्मीद नहीं रख सकते कि उनको ये डेटा भी पता हो, ठीक है। इसका सोर्स देख लेते हैं, ये भी आर्टिकल न्यूज में रहा था, यहाँ आप देख सकते हो, और इसी आर्टिकल में इसके बारे में जिक्र था, ठीक है। ये लिंक अगर आपको चाहिए तो मैं आपको अगर ये लिंक आपको चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा। नेक्स्ट,
जो क्वेश्चन था हमारा, जस्ट ए मिनट, जियोग्राफी का, ये है कोंगो बेसिन के बारे में, ठीक है। और कोंगो बेसिन काफ़ी न्यूज में रही थी, ठीक है, इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर आपने जब कोंगो बेसिन न्यूज में रही थी तो कोंगो बेसिन का मैपिंग पार्ट प्रैक्टिस किया, तो आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हो। आपको पता है कि यूपीएससी को कैसे प्रिपेयर करना है, अगर कोई एरिया, ठीक है, न्यूज में है तो उसको हमें मैप पे प्रैक्टिस करना है, जस्ट अ मिनट, तो उसको हमें मैप पे प्रैक्टिस करना होता है। तो अगर ऐसा किसी ने किया है तो चांसेस ये है कि वो इस सवाल को कर पाएगा, है ना। ये न्यूज में क्यों रही थी, इसलिए थी क्योंकि यहाँ के इकोसिस्टम को यूनेप ने डिक्लेयर कर दिया था क्रिटिकल इकोसिस्टम, इस वजह से ये न्यूज में रही थी। और इसका मेंशन आपको किसी किसी इंस्टीट्यूट के मंथली मैगजीन में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं मंथली मैगजीन्स का नाम इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि अगर मैं नाम बताऊँ तो आप कोशिश करोगे कि मैं यही वाला पढ़ूँ, पर ऐसा नहीं होता। मंथली मैगजीन आप सारे पढ़ के देख लो एक बार, और पढ़ के देख लो मतलब कंपेयर करके देख लो, और एक बार आप डिसाइड कर लो कि आपको विजन आईएएस का पढ़ना है या फिर इनसाइट्स का पढ़ना है या फिर किसी और का पढ़ना है। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, जस्ट ए मिनट, ये क्वेश्चन है अमरकंटक हिल्स के बारे में, ठीक है, फिर बिली गिरांगन हिल्स के बारे में और सीसाचलम हिल्स के बारे में। अब ये क्वेश्चन हिल्स के बारे में, तो पहली बात, ये एनसीईआरटी से भले ही ना पूछा गया हो बट मैपिंग तो आपके सिलेबस का इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है। ये आपको बात पता होगी कि ज्योग्राफी में 20-30% क्वेश्चन मैपिंग से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने मैपिंग प्रैक्टिस की होगी कि अमरकंटक जो होता है वो इधर कहीं होता है, ये जो है ये वाला जो है इधर कहीं होता है, और ये सेशाचलम कहाँ होता है, यहाँ पे कहीं पे होता है, ठीक है। तो अगर आपने ये प्रैक्टिस की है तो भी इस सवाल को आप आंसर कर सकते हैं, बट हम ये देख रहे हैं कि इसके सोर्सेस क्या है, तो सोर्सेस चेक कर लेते हैं। ये रेड सेंडर्स की वजह से ये जो सेशाचलम एरिया था ये काफ़ी न्यूज में रहा था, ठीक है। तो इस वजह से ये सेशाचलम वाला उठाया गया होगा, और ये जो दूसरा हिल था ये भी काफ़ी न्यूज में रहा था। तो आपने अगर उसकी मैपिंग अच्छे से प्रैक्टिस की है हिल्स वगैरह की, तो आप इसको आसानी से आंसर कर पाते, जस्ट ए मिनट। और एक बात, ये जो मैपिंग वाले सवाल है ना, अगर मैपिंग वाले सवाल आ रहे हैं, ठीक है, और आप बोल रहे हो कि यूपीएससी पता नहीं कहाँ से सवाल पूछती है, तो फिर आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो, क्योंकि मैपिंग हर साल यूपीएससी पूछती है, इसलिए आपको मैपिंग अलग से तैयार करके जाना है, ठीक है। अगर आप मैपिंग तैयार करके नहीं जाते मतलब आप एक सीरियस एस्पिरेंट नहीं हो, आपको नहीं पता कि यूपीएससी किस तरह की क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। तो मैपिंग आपका हर चीज़ पे प्रिपेयर होना चाहिए, जैसे रिवर्स पे, माउंटेंस पे, उसके बाद लेक्स पे, वाटरफॉल्स पे, पावर प्लांट्स पे, ठीक है, रोड्स प्रोजेक्ट्स पे, और क्या चीज़ें होंगी यहाँ पे, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसमें तो आप सेलेक्टिवली कर सकते हो, जो भी न्यूज में आ जाए बस उसको प्रिपेयर करना है, रामसर साइट्स, ठीक है। तो मैपिंग अगर आप करके नहीं जाते तो फिर आप, ठीक है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बट अगर आप मैपिंग करके नहीं जाते तो मेरे हिसाब से आपको यूपीएससी की नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये वाला, ये जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है इसके बारे में पूछा गया है, ट्राइलेटरल हाईवे के बारे में और बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार के बारे में। ये दोनों टॉपिक आप कहीं से भी, आप मान लीजिए किसी का भी, चाहे भीजन आईएएस का हो या फिर किसी और इंस्टीट्यूट का हो, आपने अगर मंथली मैगजीन पढ़ी होगी या फिर आपने 365 पढ़ा होगा,
इनमें जब आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हो, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में जब हम पढ़ते हैं किसके साथ, म्यांमार के साथ अपना रिलेशन या फिर थाईलैंड के साथ अपना रिलेशन, ठीक है, तो वहाँ जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलेबोरेशन की बात होती है, तो उसमें एग्जांपल में दिया जाता है कि एक ट्राई लेटरल हाईवे बन रहा है कहाँ से कहाँ तक, मोरे इन मणिपुर टू चियांग मई इन थाईलैंड। अगर आपने वहाँ ध्यान दिया होगा तो वहाँ से आपको ये याद होगा, ठीक है, बट इतने माइन्यूट डिटेल पे हम ध्यान नहीं देते कभी कभी, इस वजह से हो सकता है आपका मिस हो गया हो। तो ये दोनों पॉइंट्स आप करेंट अफेयर्स के मंथली मैगजीन से कर सकते हो, ये किसी भी इंस्टीट्यूट के मंथली मैगजीन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट न्यूज़ में करेंटली तो नहीं था, बट ये वाला पॉइंट आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ है एनसीईआरटी में, ये देखिए एनसीईआरटी का, जस्ट ए मिनट, एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है और यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि ये कहाँ है। द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर हैज़ बीन प्लान्ड बिटवीन सिलचर इन असम टू पोरबंदर इन गुजरात। तो सिलचर से पोरबंदर, ठीक है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है इसलिए ये एनसीईआरटी में मेंशन है और ये न्यूज़ का प्रोजेक्ट नहीं है। तो जस्ट ए मिनट, तो ये पहला स्टेटमेंट जो है ये स्टैटिक से था और बाकी के दोनों स्टेटमेंट जो थे ये करेंट अफेयर्स से थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये है अर्थ एटमॉस्फेयर, सॉरी, रेफरेंस टू अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में यहाँ पे बहुत सारी स्टेटमेंट है और यहाँ से ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखते हैं ये स्टेटमेंट कहाँ है एनसीईआरटी में, जस्ट ए मिनट। यहाँ पे देखिए सोलर रेडिएशन वाले चैप्टर में, चैप्टर का नाम मैं भूल गया हूँ शायद, एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में होना चाहिए। विद इन द ट्रोपोस्फेयर वाटर वेपर ओजोन एंड अदर गैसेस एब्जॉर्ब मच ऑफ द नियर इंफ्रारेड रेडिएशन। तो इंफ्रारेड रेडिएशन कौन एब्जॉर्ब करता है, वाटर वेपर ओजोन एंड अदर गैसेस। और यहाँ क्या दिया गया था, यहाँ पे दिया गया था इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जली एब्जॉर्ब बाई वाटर। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाता है। तो ये भी जो क्वेश्चन है ये साफ साफ एनसीईआरटी से आपको मिल जाएगी। देन आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेटमेंट है सोयल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, ये क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी। और आप देखोगे कि पिछले 5-6 सालों में हर साल क्लाइमेटोलॉजी से एक क्वेश्चन होता है और ये क्वेश्चन आप कहाँ से सॉल्व कर सकते हो, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो जीसी लियोंग के लास्ट के कुछ चैप्टर से, ठीक है। जीसी लियोंग में अगर आपने लास्ट के कुछ चैप्टर पढ़ रखे हैं तो क्लाइमेटोलॉजी से डील करती है, ठीक है, वो क्लाइमेटोलॉजी के चैप्टर्स अगर आपने पढ़े हैं, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ठीक है, चाइना टाइप क्लाइमेट एंड और भी बहुत सारे क्लाइमेट, तो वो अगर आपने डिटेल में पढ़ी है तो वहाँ से आप इसका आंसर कर सकते हैं। ओके, तो अच्छा सॉरी, इस क्वेश्चन का जो है स्क्रीनशॉट मैं यहाँ इंक्लूड करना भूल गया हूँ, तो आप जीसी लियोंग में चेक कर लीजिएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा ये, ठीक है। और ये कॉमन सेंस वाली बात है, जैसे आप पढ़ते हो कि जहाँ पे रेन ज़्यादा होता है, ठीक है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना इस बारिश के पानी में की वजह से ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये जो सोयल होता है इसके न्यूट्रिएंट्स लूज हो जाते हैं बारिश के कारण, ये लूज कर देता है अपने न्यूट्रिएंट्स को। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि द सोयल ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, तो यहाँ बारिश होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है, ऐसे भी ट्रॉपिकल एरियाज में बहुत बारिश होती है। आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, तो ये कैसे न्यूट्रिएंट्स में रिच होंगे जब यहाँ जो न्यूट्रिएंट्स है वो बारिश के साथ बह गए, पानी के साथ बह गए, ठीक है,
तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगर एक स्टेटमेंट गलत तो यहाँ से आप आंसर पे पहुँच जाओगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको एक भी स्टेटमेंट पता चल जाए कि गलत है तो आप आसानी से आंसर मार्क कर सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। अगला क्वेश्चन है टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग द समर देन इन विंटर। ठीक है, ये टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट के बारे में ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर और लेस देन। ठीक है, तो यहाँ ये जो स्टेटमेंट है पहला वाला, ठीक है, इसको भी आप एनसीईआरटी के मदद से सॉल्व कर सकते हो। कब? जब आपने टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट का जो मैप दिया गया है एनसीईआरटी में, ठीक है, आपको मिलेगा एक जनवरी का मैप और दूसरा मिलेगा जून जुलाई का मैप। ठीक है, अगर आपने इन दोनों मैप को अच्छे से ऑब्जर्व किया होता तो आप आंसर कर पाते, पर मैं बोलूँगा कि जो मैप है उसको हम इतने डिटेल में नहीं देखते, कोई भी एस्पिरेंट इतने डिटेल में कंपेयर करके नहीं देखता, तो ये आंसर एनसीईआरटी से कर पाना बहुत ही मुश्किल होता, क्योंकि एनसीईआरटी में इसके बारे में डेटा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, भले ही मैप की मदद से हो जाता, अगर आप यहाँ का डेटा कंपेयर करते हो कि जनवरी में जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है वो कितना है, जुलाई में जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है वो कितना है, तो आप ज़रूर कर पाते, बट ये करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो इस वजह से ये एनसीईआरटी से नहीं आया, और बाकी किताबों में भी मैंने जितनी किताबें पढ़ी उनमें तो मुझे नहीं मिले। तो आपको अगर ये कहीं पे मिलता है, इसका सोर्स आपको पता चलता है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कहाँ से पूछा गया है। ठीक है, हाँ, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये जो इसोथर्म मैप है, इसोथर्म मैप मतलब जो टेम्परेचर का मैप होता है, ठीक है, सेम टेम्परेचर यहाँ पे सेम, यहाँ पे सेम, यहाँ पे सेम, तो इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। तो इसोथर्म का मैप आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, लेकिन इसमें जो ऑब्जर्व क्या बोलते हैं, इसमें जो ऑब्जर्वेंस चाहिए ना, जो इसको देखने का तरीका चाहिए, जो इस पे एनालिसिस चाहिए, वो बहुत ही टफ है। ये कोई भी एस्पिरेंट, मैं बोलता हूँ 100% ऑफ द एस्पिरेंट में से एक भी लड़का या लड़की ऐसा नहीं होगा जिन्होंने ऐसा किया होगा। ये बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन। इसके अलावा अगर ये कहीं किसी सोर्स में मिलता है रिटेन में, ठीक है, नॉट इन द मैप सेक्शन, अगर रिटेन में मिलता है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है वेब्स के बारे में। ये भी क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी से आसानी से कर सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको। पहला स्टेटमेंट है पी वेब्स रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस वेब्स। यहाँ पे देखिए, पी वेब एस वेब से जल्दी अराइव होता है। दूसरा स्टेटमेंट है पी वेब वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द पैरेलल वेब। यहाँ पे जस्ट ए मिनट, पी वेब, ये वाला पी वेब वाइब्रेट इन द टू द डायरेक्शन ऑफ द वेब। जस्ट ए मिनट, हाँ, तो मैं बात कर रहा था इस स्टेटमेंट की। ये जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है पी वेब्स द इंडिविजुअल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेब प्रोपगेशन, ये भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, और एस वेब के बारे में भी मिल जाएगा। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट ए मिनट, ये वाला कि जो एस वेब है वो परपेंडिकुलर टू द वेब डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। तो आप देख सकते हो कि आप ये भी क्वेश्चन जो है, जस्ट ए मिनट, ये भी एनसीईआरटी से कर सकते हो। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन ये है नन ऑफ देम, सॉरी क्या है ये, हाँ, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट के बारे में ये है, नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, कोई भी सी वाटर यूज नहीं करता, नन ऑफ देम यूजेस वाटर स्टेट। ओके, ये जो क्वेश्चंस थे यहाँ पे आप पाओगे कि सब में नन लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इसको कॉमन सेंस के बेसिस पे सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है, इतना रिक्स अगर आप एग्जाम में ले सकते हो तो आप आसानी से सॉल्व कर पाते। ठीक है, और इसका कोई स्पेसिफिक सोर्स नहीं है, क्योंकि ये कॉमन सेंस
कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन ही है मेरे ख्याल से। फिर भी अगर किसी एस्पिरेंट को इसका सोर्स पता है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बता सकते हैं, ताकि बाकी एस्पिरेंट का भी हेल्प हो। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। ये तो थर्मल प्रोजेक्ट के बारे में, जस्ट अ मिनट। हाँ ओके, तो एक क्वेश्चन और भी था, क्वेश्चन ही यहाँ पे पुट नहीं हुआ है लग रहा है। वो क्वेश्चन था कि कोल से जो हम एनर्जी यूज करते हैं वो मोर देन 60% या कुछ ऐसा होता है, या फिर मेरे ख्याल से क्या था क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो हम कंज्यूम करते हैं इंडिया में वो कोल से आता है। ठीक है, और ये भी आप देखोगे कि ये साफ साफ इंडिया में दिया गया था कि थर्मल सोर्सेज 70% अकाउंट करती हैं अपने एनर्जी का। ठीक है, इंडिया में जितना भी एनर्जी कंज्यूम होता है उसका 70% कहाँ से आता है, कोल सेक्टर से। तो ये भी क्वेश्चन जो है आप एनसीईआरटी से आंसर कर पाते हैं इसका। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सारा क्वेश्चन होता है ख़त्म। अब हम देखते हैं कि यहाँ इंपॉर्टेंस एनसीईआरटी का कितना है। इसको देखने के लिए एनसीईआरटी प्लस जीसी लियोंग, हाँ दोनों को मैं एक ही सोर्स मान के चल रहा हूँ, क्योंकि जो भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं वो साथ में जीसी लियोंग भी पढ़ते हैं, लास्ट के 5 या 6 चैप्टर जो क्लाइमेटोलॉजी पे बेस्ड है। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में क्लाइमेटोलॉजी उतने अच्छे से नहीं दी गई, और बाकी लोग जो दूसरे सोर्सेस पढ़ते हैं उनको ये दोनों पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आप कोई अच्छा सोर्स पढ़ रहे हो जहाँ दोनों का कॉम्बाइंड फॉर्म में है तो आपको ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखते हैं कि एनसीईआरटी और जीसी लियोंग इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चंस। एनसीईआरटी से यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, दूसरा क्वेश्चन एनसीईआरटी से, ठीक है इसको तो हमने काउंट कर लिया। जस्ट ए मिनट, ये तीसरा क्वेश्चन टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट। मैंने बोला कि एनसीईआरटी में ये है तो ज़रूर, बट इसको काउंट कर रहे हैं बस काउंट करने के लिए। ये क्वेश्चन वैसे है बहुत टफ, भले ही एनसीईआरटी में है इसका, यू नो ये मैप की मदद से हम कर सकते हैं ये जो होता है। तो तीन क्वेश्चन हो गए एनसीईआरटी से। ये है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में, ये 4 काउंट करते हैं क्योंकि ये जीसी लियोंग से आप सॉल्व कर सकते हो। ये 5वां क्वेश्चन साफ साफ एनसीईआरटी में दिया गया है। ये 6ठा क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं, इसमें का एक स्टेटमेंट आप एनसीईआरटी से कर सकते हो। ठीक है, देन ये 7वां, इसमें भी आप एनसीईआरटी के मदद से कर सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी में ये दिया गया है कि अमरकंटक कहाँ है, ठीक है बिंध्यास कहाँ है वो भी दिया गया है, सह्याद्री कहाँ है ये भी दिया गया है। तो आपको पता है कि अमरकंटक इंडिया का मैं मैप बना लेता हूँ। अगर आपको सारे माउंटेन के लोकेशन पता है तो आप अंदाजे पे इसको कर सकते हो, अमरकंटक यहाँ कहीं है, सह्याद्री यहाँ कहीं है, ठीक है विंध्यास यहाँ है, तो विंध्यास और सह्याद्री के कोने पे अमरकंटक कैसे हो सकता है। ठीक है, तो इसमें भी आप एनसीईआरटी की मदद से कर ही सकते हो। ठीक है, कहाँ काउंट किया था हमने, कितने क्वेश्चन, 6 हो गए थे। ठीक है, 7वां क्वेश्चन एनसीईआरटी के नॉलेज से या फिर मैपिंग से आ सकता है, इसको मैपिंग में रखेंगे, इसको कट कर देते हैं, मैपिंग में ही रखेंगे। 6 क्वेश्चन अभी तक हमारे एनसीईआरटी से सॉल्व हुए हैं। ये 7वां क्वेश्चन एनसीईआरटी का आ गया। देन और कोई क्वेश्चन जो एनसीईआरटी से, ये 8वां क्वेश्चन आ गया एनसीईआरटी का, ये 9th, ये 10th, ठीक है इतने ही हैं। तो चलते हैं लास्ट पेज पे। तो हमने देखा कि 10 क्वेश्चन जो हैं इनमें से कुछ क्वेश्चन
सिक्स टू सेवन क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली एनसीईआरटी के बेसिस पे हम सॉल्व कर सकते हैं, और जो स्टेटमेंट लिए गए हैं कुछ क्वेश्चन में वो स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी से ही लिए गए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस पिक होते हैं, एनसीईआरटी की मदद से हम काफ़ी सारे स्टेटमेंट को सॉल्व कर सकते हैं और कुछ कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। इस वजह से एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं ज़्यादातर एटलस से, एटलस इन द सेंस मैपिंग से, ठीक है। मैपिंग अगर आपने अच्छे से नहीं की तो फिर आप ऐसे सवालों को नहीं कर सकते, इसलिए आपको मैपिंग, ठीक है, रिवर्स के, माउंटेंस के, लेक्स के, जो भी रामसर साइट्स वगैरह होती हैं, इन सब चीज़ की मैपिंग आपको अच्छे से करके रखनी है आपके पास। एक जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओ तो उससे पहले आपके पास एक पतली सी मैपिंग की कॉपी बन जानी चाहिए, ठीक है। और इस मैपिंग पार्ट में भी वो पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जो एरिया कभी ना कभी न्यूज़ में रहा हो, ठीक है। अगर कोई एरिया न्यूज़ में रहता है तो उसको भी आपको मैप करना है, आपको अपनी एटलस खोलनी है और वहाँ पे हाईलाइट कर लो, उसको हाईलाइट कर लो या फिर कलर कर लो या ऐसे बॉक्स बना लो, कुछ कर लो जिससे पता चले आपको कि ये जो सेक्शन था ये न्यूज़ में था और ये आपको पढ़ के जाना है। तो वैसे आपके एटलस पे भी बहुत सारे एरिया मार्क हो जाएंगे जिनको आप पढ़ सकते हो। आखिरी चीज़ है कि हम करेंट अफेयर्स को जियोग्राफी के लिए कैसे डील करें। करेंट अफेयर्स के लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना जियोग्राफी में, आप द हिंदू पढ़ रहे हो, ठीक है, और आपने पढ़ा कि इज़राइल में, ठीक है, इज़राइल में, इज़राइल और जेरूसलम के बीच क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, वार चल रहा है इन अ सेंस। तो आपको इज़राइल को जाके मैप करना है अपने अपने एटलास में, ठीक है। जेरूसलम को भी मार्क करना है, उसके आसपास के एरियाज़ को मार्क करनी है, ठीक है। कोई भी आपको एरिया मिलता है जो न्यूज़ में है, कंट्रोवर्सी में है, ठीक है, तो उसको आप जाके मार्क कर ले, ऐसे करना है। कोई रिवर न्यूज़ में आप पढ़ते हो कि ये रिवर चल रही है, जैसे इंडस रिवर वाटर ट्रीटी कभी कभी न्यूज़ में रहता है, या फिर नीचे की तरफ गोदावरी के लेके लोग फाइट करते रहते हैं, कावेरी का कावेरी डिस्प्यूट चलता है, तो आपको क्या करना है, आपको बस अपनी मैप खोलनी है और वहाँ पे इसको मार्क कर लेना है। क्योंकि आप देखोगे जियोग्राफी में जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं वो लोकेशन बेस्ड होते हैं, ठीक है, उनमें से लोकेशन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन होता है ख़त्म। आप अगर हमेशा अपडेटेड रहना चाहते हो या फिर जो भी मैं पीडीएफ्स वगैरह यूज करता हूँ, ठीक है, उनको अवेल कराना चाहते हो तो आप S2 हमारा टेलीग्राम है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और ये जो मैपिंग है, जो करेंट अफेयर्स मैपिंग है, इसके साथ तो मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता, बट जो स्टैटिक मैपिंग है, स्टैटिक मैपिंग, ठीक है, ये जो स्टैटिक मैपिंग है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आपको दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए मैं एक स्टैटिक मैपिंग का नोट्स तैयार करके आपको दे दूंगा, ठीक है, एग्जाम से पहले, pre-2024 से पहले। ऐसा नहीं कि मैं जून में एग्ज़ाम है या फिर मई में, तो मैं आपको मई जून में ही दूंगा। अगर आपको ज़रूरत है इसकी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट कीजिएगा। अगर बहुत सारे लोगों को ज़रूरत पड़ी इसकी तो मैं आपके लिए ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, कब तक, मार्च तक, ठीक है। बट अगर ज़रूरत है तो, ठीक है, ऐसे ही मैं इस पे मेहनत नहीं कर सकता। तो अगर एस्पिरेंट्स को लगता है कि वो ये नोट्स उन्हें चाहिए तो आप कमेंट करें, ठीक है, और ये नोट्स वगैरह जो भी होते हैं ये मैं टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर देता हूँ, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें।